हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट या एनोड रेज एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं हम इससे। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि बच्चों जेजे थॉमसन ने एक ग्लास ट्यूब ली थी जिसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं एंड उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड फिट किए। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में गैस रखी, पहले CO2, N2, O2, H2 डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैस उसके अंदर रखा और हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक स्पार्क करवाया। जैसे ही इलेक्ट्रिक स्पार्क करवाया तो ऐसे में कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज प्रोड्यूस हुई जिसे हमने कहा था कैथोड रेज। कैथोड रेज गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। बच्चों 1886 के अंदर गोल्डस्टीन ने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट को वापस से रिपीट किया, लेकिन इस बार उसने जो प्लेट की फॉर्म में जो कैथोड था वो ना लेकर के बिल्कुल पोरस कैथोड लिया। मतलब जो प्लेट थी उसके अंदर उसने छेद कर दिए, पोर बना दिए काफी सारे और उसको कैथोड की फॉर्म में यूज में लिया। तो बच्चों एक्सपेरिमेंट देखते हैं उसका क्या था। कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट किसने किया था बच्चों? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन कब? 1886 में। 1886 में ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जो कि जेजे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था। नाउ इसने क्या किया बच्चों? इसने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में लेने वाले जो प्लेट नुमा इलेक्ट्रोड थे, प्लेट नुमा इलेक्ट्रोड, मैं ऐसे कह सकता हूं प्लेट नुमा इलेक्ट्रोड कौन सा है। यहां पर आप देखोगे ये एनोड था और यहां पे प्लेट थी। प्लेट ना लेकर के इसने क्या किया, एक पोरस प्लेट की फॉर्म में इसने लिया इस इलेक्ट्रोड को और इसमें काफी सारे पोरस है, मतलब इसमें काफी सारे छेद है, यानी जो इलेक्ट्रोड कैथोड लिया वो पोरस लिया इसने। क्या हुआ बच्चों? आपने देखा वापस से इस पर वोल्टेज अप्लाई किया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया। यहां पर आपने नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये एनोड है और ये आपका कैथोड है। बच्चों आपने देखा कि जब यहां पर गैस लेकर के वैक्यूम पंप से गैस बाहर निकाला तो अगेन वही 0.001 mm ऑफ Hg प्रेशर है इतना रखा इनके बीच में, वोल्टेज अप्लाई कर दिया 10,000 वोल्ट। वही जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यहां पर बना दी ताकि कुछ रेज अगर स्ट्राइक करती है या कुछ रेज निकलती है तो उसकी प्रेजेंस के बारे में पता चल जाए। यहां पर पीछे की तरफ भी जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी बच्चों, कंप्लीटली जिंक सल्फाइड लेयर। बच्चों इतने कम प्रेशर पर उसने देखा कि कैथोड से कुछ रेज तो निकलती ही है, जैसा कि हमने कहा था कैथोड रेज। क्या बच्चों? ये तो कैथोड रेज थी सही, लेकिन कैथोड के पीछे की तरफ से भी कुछ रेज निकलती है। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि पीछे की तरफ यहाँ पर कुछ रेज निकलती है और यहाँ पर कोलाइड करती है। जैसे यहाँ पर कोलाइड करती है जिंक सल्फाइड होता है, फ्लोरोसेंट होता है, मैंने आपको बताया। यहाँ पर जैसे रेज गिरती वैसे चमकने लगता है, ग्रीन यहाँ पर फ्लोरेसेंस हमें नजर आती है, ग्रीन चमक नजर आती है बच्चों। तो यहाँ पर इसने कंक्लूजन निकाला कि कैथोड से एनोड की तरफ कैथोड रेज तो जाती है, लेकिन एनोड से भी कुछ रेज है वो कैथोड की तरफ जाती है, इन्हें हम एनोड रेज कहते हैं बच्चों। तो एनोड रेज एनोड से कैथोड की तरफ जाएगी और ये इन पोरस पार्ट से बाहर निकल करके पीछे की तरफ कोलाइड करती है। तो ऐसा लगता है जैसे कि कैथोड से पीछे की तरफ रेज निकलती है, लेकिन एक्चुअल में वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही होती है रेज। तो हम इन्हें कहते हैं बच्चों कैनाल रेज या एनोड रेज भी कहते हैं। एनोड से कैथोड की तरफ जाती है इसलिए एनोड रेज, और कैनाल रेज भी इसको कहते हैं क्योंकि बच्चों ये छोटे छोटे पोर से बाहर निकलती है, जिसे हम कहते हैं छोटे छोटे पोर को हम कहते हैं कैनाल, तो इसलिए कैनाल रेज भी इसे कहते हैं। तो ये आपकी एनोड रेज है बच्चों। क्या? एनोड रेज। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर जो है एनोड से कैथोड की तरफ जो है ये रेज निकलती है। यहाँ पर अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैस लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो गैस है या ये जो रेज है वो
डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ली गई गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब अगर हाइड्रोजन गैस लोगे तो इनकी नेचर अलग होगी, यहाँ पर O2 गैस लोगे तो इनकी नेचर अलग होगी, N2 गैस लोगे तो इनकी नेचर अलग होगी। ठीक है बच्चों, यानी गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो बच्चों यहाँ पर हम केनाल रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ आखिर क्या हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी गोल्ड स्टेन ने किया या जे थॉमसन ने किया वो गैस का आयनाइजेशन किया है, तो क्या हुआ होगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पर सपोज करो कि H2 गैस ली, कौन सी H2 गैस है, वो क्या हुआ होगा कि आयनाइज हुई होगी, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन उसने दिया होगा। यहाँ पर आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए, क्योंकि तो मैंने आपको बताया था a beam of इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एच व्हाट, कैथोड रे। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो तो क्या होगा, कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि गैस का आयनाइजेशन होने के बाद में इन दोनों के बीच में हाई वोल्टेज पर गैस का आयनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पार्ट है और ये मूव करेगा किसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, यानी एच पॉजिटिव है वो इधर मूव करेंगे। जैसे एच पॉजिटिव इधर की तरफ मूव करेंगे तो ऐसा लग रहा या ऐसा लगता है जैसे कि ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एनोड रेज आयनाइज्ड पार्टिकल से मिलकर की बनी होती है। यहाँ पर H2 गैस लेंगे तो जो कंपोनेंट होंगे एनोड रेज का वो H पॉजिटिव होगा। सिमिलरली इसे H पॉजिटिव कम करते हैं प्रोटॉन्स, यानी ऐसा कह सकता हूँ प्रोटॉन्स से मिलकर के बनी होगी कौन सी, एनोड रेज। जब H2 गैस लेंगे, सपोज करो कि आपने O2 गैस लिया तो बच्चों यहाँ पर पॉसिबिलिटी हम देखते हैं कि इस तरह से आयनाइजेशन हुआ होगा, ऑक्सीजन जो है 2O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया होगा, यहाँ पर मैं दूर दूर लिखता हूँ, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन में ये कन्वर्ट हो गया होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। अब बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये तो कैथोड रेज का पार्ट होगा जबकि ये क्या होगा एनोड रेज, यानी एनोड रेज का कॉम्पोनेंट हो जाएगा, एनोड रेज बनाएगा। तो आप इस चीज को समझिए कि यहाँ पर जो है प्रोटोन है वो एनोड रेज बना रहा, यहाँ पर ओ पॉजिटिव है वो क्या कर रहा है एनोड रेज बना रहा, यानी नेचर चेंज हो रही है, इसलिए ये गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो एनोड रेज है वो गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। चलो बच्चों एनोड रेज के प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, मैं इसको रफ करता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, प्रॉपर्टीज पहला पॉइंट तो ये है बच्चों, दीज रेज आर मेड बाय पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो यहां पर लिखूंगा दीज रेज आर मेड बाय पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट। और किसकी तरफ मूव करेगी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ टर्न हो जाती है एंड मूव्स टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट बच्चों सेकेंड पॉइंट, यहां पर इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो यहां पर लिखेंगे दे हैव काइनेटिक एनर्जी। थर्ड पॉइंट है बच्चों, जो फ्लोरोसेंस शो करती है जिंक सल्फाइड लेयर पर, दे शो फ्लोरोसेंस।
फ्लोरोसेंस ऑन जिंक सल्फाइड ले गए। लास्ट में फाइनल पॉइंट जो E by M रेशियो, क्योंकि E by M यानी चार्ज बाय मास का जो रेशियो वो क्या होगा, गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कौन से गैस लेंगे। जैसे मैंने अभी जस्ट अभी बताया था H2 गैस लेंगे तो H पॉजिटिव कैनाल रेंज बनाएंगे, अगर ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो O पॉजिटिव कैनाल रेंज बनाते हैं। तो मैं यहां फोर्थ पॉइंट E by M रेशियो डिपेंड्स ऑन गैस, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस गैस ठीक है बच्चों। प्रोटॉन के लिए अगर बात करता हूं, फॉर प्रोटॉन 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 आपने देखा H पॉजिटिव है, उसके लिए E by M रेशियो क्या होगा, E by M रेशियो इज मैक्सिमम 1. यहां पर मैं लिखूंगा बच्चों या 9.58 × 10⁻¹⁷ कूलम पर केजी, जो कि मैक्सिमम रहता है। क्या रहता है ये, मैक्सिमम रहता है 9.58 × 10⁻¹⁷। इस तरह से इसको हम ले सकते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करते हैं। अभी हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड बात की, उसके बाद में एनोड रेज यानी प्रोटॉन्स एंड उससे रिलेटेड, और अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करते हैं। यस, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई बच्चों, ये डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक कब की थी, जेम्स चैडविक ने 1932 में। कैसे की बच्चों, इसने क्या किया, बेरिलियम का न्यूक्लियस लिया, बेरिलियम का न्यूक्लियस और उस पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कर दी। जैसे कल के लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसके अंदर न्यूक्लियस चेंज हो जाता है, ये एक तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन है। जैसे बेरिलियम का न्यूक्लियस Be49 बच्चों, Be49 यहां पर मैं बात करूंगा तो बेरिलियम के न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है, जब वो अटैक करता है तो ऐसे में कार्बन का न्यूक्लियस बनता है या एटम बनता है और एक न्यूट्रल स्पीसीज न्यूट्रॉन मिलती है। न्यूट्रल स्पीसीज जो न्यूट्रॉन है वही क्या बच्चों, यहां पर न्यूट्रॉन होता है। इस पर चार्ज की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर। चार्ज क्या होगा बच्चों, चार्ज होता है जीरो, जीरो जनरली मैं कहूंगा न्यूट्रल और न्यूट्रल, यानी ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, किसी भी प्लेट की तरफ या अट्रैक्ट नहीं होता, केवल केवल न्यूक्लियस का मास इंक्रीज करता है ये बच्चों, और कुछ कन्वर्जेंस हो करता है जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से यहाँ पर जब कभी भी न्यूट्रॉन है ये प्रोटॉन में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस में, यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ प्रोटॉन पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन के अंदर ये जो है कन्वर्ट हो गया, तो न्यूट्रॉन है वो क्या होगा प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ अदर सब एटॉमिक पार्टिकल मैसॉन या एंटी न्यूट्रॉनो इनमें कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से ये जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम देखेंगे बाद में, लेकिन मैं अभी इतना कहूंगा कि बेरिलियम के न्यूक्लियस पर जब हीलियम अटैक करता है तो ऐसे में यहाँ पर कार्बन का न्यूक्लियस एंड न्यूट्रल स्पीसीज न्यूट्रॉन हमें मिलती है। इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, E by M रेशियो की बात कर लेते हैं। यहाँ पर E by M रेशियो लिख देता हूँ, E by M रेशियो फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज क्या होगा बच्चों, जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ही नहीं होता, यानी चार्ज जीरो डिवाइड बाय मास, तो ये आपकी जो वैल्यू होगी वो हमें जीरो ही मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये होगा,
क्वेश्चंस करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ई बाई एम रेशियो, ए बाई एम रेशियो। क्या होगा बच्चों, ए बाई एम रेशियो का डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना। इसमें यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन। तो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन e बाई एम रेशियो की हम बात करेंगे। यहां पर e बाई एम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन। आपने देखा कि e बाई एम रेशियो की वैल्यू होगी यहां पर सबसे ज्यादा होती है, हमने देखा था 1.76 इंटू 10 रेश्यो टू द पावर 11। प्रोटॉन के लिए जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था 9.5 इंटू 10 रेश्यो टू द पावर 7। तो यानी प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल का तो क्या होगा, कम होगा ही होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मैक्सिमम होता है, कूलम्ब बाय केजी हम कह सकते हैं। इसका होगा ई डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, और आपको प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में कंपैरिजन करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मैक्सिमम होता है, न्यूट्रॉन का क्या होता है, जीरो होता है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम मतलब यहाँ पर जो ये तो मैक्सिमम होगा ही होगा, चाहे किसी भी टाइप का ऑर्डर आपसे पूछा ना जाए, उस ऑर्डर के अंदर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको सबसे ज्यादा रखनी है और न्यूट्रॉन की वैल्यू मिनिमम रखनी है, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो होगी। नाउ कंपैरिजन करते हैं प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन का के लिए होता है ई बाई एम टी, और इसकी बात करते हैं तो इसमें आपने देखा चार्ज कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, एंड यहाँ पर मास होता है 4 mT। आपने देखा ये 2 टाइम्स हो गया, यानी मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या होगा e by 2 mT। कंपैरिजन कर सकते हो यहाँ पर e by 2 mT स्मॉलर होता है e by mT की कंपैरिजन में, क्योंकि 2 से ज्यादा डिवाइड हो रहा है। इसलिए ऑर्डर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का तो क्या होगा मैक्सिमम होगा, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम हमेशा होता ही है, आप चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद में e by mp की वैल्यू ज्यादा, e by 2 mp की वैल्यू कम। तो आप देखोगे e by mp की वैल्यू यानी प्रोटॉन के लिए, फिर उसके बाद में अल्फा पार्टिकल, उसके बाद में न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए क्या होगी मिनिमम होगी, क्या होगी मिनिमम ये वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से जो है हम ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं e by mp का। इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभार आते हैं बच्चों। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं आप लोग, ड्यूटेरियम इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन में फाइंड आउट करना। क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए बाई एम रेशियो, ऑर्डर ऑफ ई बाई एम रेशियो किसमें, इलेक्ट्रॉन, ड्यूटेरियम अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हम रखेंगे बच्चों ई बाई एम रेशियो, इलेक्ट्रॉन, ड्यूटेरियम अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन। इसके लिए तो आपको मैंने बताया मैक्सिमम होगा, इसके लिए मिनिमम होगा क्योंकि जीरो होता है उसके लिए। ड्यूटेरियम यानी ड्यूटेरियम पॉजिटिव की मैं बात कर सकता हूं, यहाँ पर डी पॉजिटिव, क्योंकि इस पर जो है न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर इस पर जो चार्ज होता है वो ई होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है, मास होगा जिसके अंदर एक प्रोटोन एंड एक न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर और मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास के इक्वल होता है, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास जब इक्वल होगा तो यहाँ पर टोटल मास हो जाएगा 2 mP के बराबर, 2 mP। और यहाँ पर अल्फा पार्टिकल क्या होगा बच्चों, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 4 mP। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ई बाई 2 mP के बराबर ही आ रहा है, यानी ये दोनों की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इक्वल हो जाएगी। तो ऑर्डर में क्या लिखेंगे, ऑर्डर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा, फिर ड्यूटेरियम एंड या डी पॉजिटिव एंड अल्फा पार्टिकल का बराबर, और उसके बाद में न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन का होगा। इस तरह से बच्चों इसके बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। नाउ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर
एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। छोटा सा सब टॉपिक है एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। नंबर एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड से और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर बच्चों ए से, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले एटॉमिक एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। जेड क्या होता है बच्चों? जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। जेड रिप्रेजेंट करता है किसी भी एटम में प्रोटॉन के नंबर को। तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, ठीक है, इक्वल टू किसी भी न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन के नंबर और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं। तो यहां पर लिखूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, क्योंकि न्यूट्रल एटम के लिए ही कंडीशन है। नेक्स्ट यहां पर मास नंबर ए क्या होगा बच्चों? आपने देखा मास नंबर होता है वो प्रोटॉन के टोटल नंबर एंड न्यूट्रॉन के टोटल नंबर के इक्वल होगा, क्योंकि या टोटल प्रोटॉन का मास प्लस टोटल न्यूट्रॉन का मास, और आपको पता प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास सेम होता है और प्रोटॉन का मास होता है वो 1 AuV के बराबर होता है। तो यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर जो वैल्यू होगी वो आप रख सकते हो यहां पर एटॉमिक नंबर जो कि प्रोटॉन के नंबर के बराबर है, एटॉमिक नंबर जो कि जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि जेड के बराबर है। तो इस तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि कैपिटल एन के इक्वल है, कैपिटल एन, इस तरह से हम रख सकते हैं। यानी एक फॉर्मूला बन जाएगा के स्क्वायर क्या होगा जेड प्लस यहां पर एन। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पर। क्वेश्चन क्या बच्चों? क्वेश्चन है 23 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन H3 पॉजिटिव आयन। कितने हैं H3 पॉजिटिव आयन में? 23 इलेक्ट्रॉन्स है। इफ टोटल न्यूट्रॉन्स आर 30, find A and Z। क्या फाइंड आउट करना बच्चों? A आपको फाइंड आउट करना एंड Z फाइंड आउट करना। सॉल्यूशन बच्चों, सॉल्यूशन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन x plus 3, तीन इलेक्ट्रॉन दिए तभी प्लस 3 आए, तो तीन इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद में 23 इलेक्ट्रॉन, यानी तीन इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे चुका, उसके बाद में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो 23। तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स, ये क्या बच्चों? तीन इलेक्ट्रॉन इसने दिए उसके बाद में 23 है, तो क्या होगा यहां पर न्यूट्रल में? क्या होगा इसमें? 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, 23 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 26 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यहां पर न्यूट्रल एटम में 26 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में 23 है, तो इसका मतलब न्यूट्रल में 26 होंगे, तभी तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में 23 मिले। तो जेड क्या होगा बच्चों? न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही जेड होता है, जेड 26 हो गया। A is equal to क्या होगा? We know that A is equal to Z plus N,
यहां पर मैं कहूंगा ए ए, ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहां पर ए है आपका निकालना है, तो ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ 30 न्यूट्रॉन्स है, कितना 30, तो 30 प्लस 26 इज इक्वल टू 56, यहां पर ए की वैल्यू मिलेगी हमें 56 मिलेगी और जेड की मिलेगी 26। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।